गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आज की कक्षा में, जो कि वर्ग चौथे से है और विषय हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण में यह अध्याय नंबर 14 है, जिसका नाम काल है। काल हमें समय का बोध कराता है। अगर हम काल की बात करें तो काल हमें एक एक समय का ज्ञान कराता है, जो अभी चल रहा है, जो बीत चुका है, जो आने वाली घटना में होगा, यह सारे काल के उदाहरण होते हैं। काल किस रूप से वह जाना जाता है कि काल क्या है। काल हमें समय का ज्ञान कराता है, काल होने वाली घटनाओं का ज्ञान कराता है, वह समय का ज्ञान कराता है। तो अगर हम इस रूप से देखें तो इसकी परिभाषा पर हम देखेंगे काल की, कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो काल कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय बोध हो, वह काम जो चल रहा था, वह काम जो चलेगा या चल रहा है, वह कोई भी समय में हो, यह काल का उदाहरण होगा। यह कोई भी समय में हो, यह काल का उदाहरण होगा, क्योंकि वह काम हो रहा है, हो रहा था या होगा, यह तीनों काल की परिभाषाओं भेदों में ही आते हैं। तो ये काल के उदाहरण को दर्शा सकते हैं। यहां एक उदाहरण लिखे गए हैं, जैसे माधव खेल रहा था। हम स्पष्ट है कि यह भूतकाल में है कि वह खेल रहा था, यानी वह काम बीत चुका है, अभी नहीं चल रहा है, वह काम बीत चुका है। तो बीते हुए जो घटना होती है वह भूतकाल में आती है, तो यह भूतकाल का स्पष्ट उदाहरण हो गया कि माधव खेल रहा था। अगर हम इसी में करेंगे वर्तमान काल को, तो माधव खेल रहा है या वर्तमान काल को सूचित करेगा कि माधव खेल रहा है। अगर हम इसको भविष्य काल में करेंगे तो माधव खेलेगा, ये इस रूप से हम पेश कर सकते हैं कि माधव खेलेगा, यानी वह क्रिया भविष्य में होगी। माधव खेल रहा था भूतकाल, माधव खेलेगा भविष्य काल, और माधव खेल रहा है यह वर्तमान काल को सूचित करेगा। अगर हम काल के प्रकार को देख ले तो काल के तीन प्रकार होते हैं, यह है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, वह काम जो अभी चल रहा है वह वर्तमान काल में आता है, जो काम क्रिया अभी हो रही है वर्तमान काल में आता है। जैसे अगर हम भूतकाल को देखें तो भूतकाल में वह काम बीत चुका है, वह घटना हो चुकी है, तो वह भूतकाल को संबोधित करती है, वह भूतकाल में आता है। अगर हम भविष्य काल की ओर देखें तो यह आने वाली घटनाओं को संबोधित करता है, जो घटना आगे घटेंगी तो वह भविष्य काल में होगी। जैसे कि अगर हम तीनों का उदाहरण देख लें तो वर्तमान काल में तोता उड़ रहा है, यानी वह काम अभी चल रहा है, वह क्रिया अभी हो रही है, तो वर्तमान काल में हो गया, अभी हो गया। भूतकाल में नाटक हो चुका, तो नाटक हो चुका अर्थात समाप्त हो चुका, यह भूतकाल का उदाहरण हो गया। अब है भविष्य काल में देखेंगे कि कल से मेला शुरू होगा, वह काम आगे होगा, तो इस रूप से हम भविष्य काल का यह उदाहरण देख सकते हैं। और काल के रूपों को समझने के लिए हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में भी अगर हम गहन अध्ययन करेंगे तो हम उसको भली भांति से समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि काल किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जो समय का बोध कराए वह काल कहलाता है, जिस क्रिया के जिस रूप से काम के समय का बोध हो वह काल कहलाता है। काल के तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और इन तीनों के बारे में वह हम कुछ अगर पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ लेंगे तो भली भांति हमें जानकारी हो जाएगी, और कोई भी प्रश्न मिले तो हम उसका भली भांति उत्तर दे सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम मिलेंगे फिर अगले अध्याय को लेकर आएंगे। और आप सभी को जो भी पीडीएफ के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन भेजे जाते हैं, आप सभी बच्चे उसका गहन अध्ययन करें, जिससे आप सबको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।